दोस्तों, इस बार की अपडेट में YouTube ने 3 नए फीचर्स ऐड किए हैं और तीनों ही फीचर्स क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसमें एक फीचर ऐसा है जिससे अगर आपको वीडियो टॉपिक ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मैं तीनों फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस, अगर आपके वीडियोस में बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लोग उटपटांग कुछ भी लिख देते हैं और वो लगभग सारे ही क्रिएटर्स के साथ होता है, तो इन सब चीजों से डील करने के लिए YouTube ने एक नया फीचर ऐड किया है और इसमें आप अपने चैनल की गाइडलाइंस खुद ही लिख सकते हैं। यानी एक तो YouTube की गाइडलाइंस होती है जिससे आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक वगैरह आता है, लेकिन ये गाइडलाइंस आप खुद ही अपने चैनल के लिए लिख सकते हैं। और कोई भी अगर कमेंट्स में आपके इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उसके कमेंट्स को इनविजिबल भी कर सकते हैं। तो इस फीचर का फायदा ये है कि अब आपके चैनल पे अगर बहुत ज्यादा वल्गर या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो वो आना काफी कम हो जाएंगी। ना उसके बाद जो सेकंड फीचर YouTube ने ऐड किया है वो है सबटाइटल एडिटर का। यानी अगर आपको अपने वीडियो में सबटाइटल्स लगाने होते हैं लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप सिर्फ अपने सबटाइटल्स ऐड करने के लिए किसी और यूजर को हायर कर सकते हैं और सिंपली आप उसका जीमेल आईडी वहां पे ऐड कर देंगे तो वो आपके चैनल को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन सिर्फ आपके सबटाइटल्स लिखने के लिए। इसके अलावा आपके चैनल पे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर पाएगा। अब ये फीचर उन सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो अपने वीडियोस में सबटाइटल्स तो ऐड करवाना चाहते थे लेकिन चैनल वगैरह हैक होने के प्रॉब्लम की वजह से वो ये नहीं कर पाते थे। तो आपको अपने चैनल के परमिशंस वाले सेक्शन में सबटाइटल एडिटर का ऑप्शन मिलेगा और अगर आप यहां पे किसी का भी ईमेल ऐड करेंगे तो वो सिर्फ आपके वीडियोस पे सबटाइटल्स ऐड कर पाएगा और कुछ दूसरा नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो थर्ड फीचर YouTube ने ऐड किया है वो किया है सर्च इनसाइट्स का, और यही वो फीचर है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वीडियो के टॉपिक अब फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपने चैनल से रिलेटेड जो आपके व्यूअर्स देखना चाहते हैं वैसे बहुत सारे टॉपिक्स अब आपको अपने चैनल के एनालिटिक्स में ही मिल जाएंगे। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं लोग YouTube पे क्या सर्च कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम क्या है, ये भी आपको दिखेगा। साथ में आपके जो व्यूअर्स हैं जो आपके वीडियोस देखते हैं वो किस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं, इसका भी डेटा आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आप उसको यूज करके अगर वीडियोस बनाएंगे तो एक तो आपके टॉपिक रिलेवेंट होगा यानी जो आपके व्यूअर्स देखना चाहते हैं वो होगा, और दूसरा आपको टॉपिक फाइंड करने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये फीचर अप्रैल के एंड तक सारे ही चैनल्स को मिल जाएगा और आप इस फीचर को यूज करके अपने व्यूअर्स के लिए काफी रिलेवेंट वीडियोस बना सकते हैं। तो मुझे ये तीनों में से सबसे अच्छा तो ये थर्ड वाला अपडेट लगा है। आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप अपने वीडियोस के लिए अच्छे स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं।